Lords Institute of Engineering and Technology, Hyderabad ka wahid Muslim minority autonomous engineering institute affiliated to Usmania University, behtareen placements ke saath. Fatima Shirazi homemade product istemal karne se 1 month mein 10 kg tak aap apna wazan kam kar sakte hain. Sabse kam daam mein weight loss ka tarika hamare yahan maujood hai, wo bhi no side effect, no diet, no exercise ke saath. आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं. फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हिट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद, 81428774000. खानसास असेंबली के सदर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, वजीर विमला प्रशांत रेड्डी, कामा रेड्डी, एमएलए गवर्नमेंट विप गंपा गोवर्धन, एमपी बीबी पाटिल ने रेड्डी हॉस्टल, गरीब रेड्डी और दीगर तलबा के लिए स्कूल और फलाही इमारत की भूमि पूजा संग बुनियाद रखने की तकरीब में शिरकत की. वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि सीएम केसीआर का गहरा यकीन है कि गाँव में रेड्डी अच्छे होंगे तो सब अच्छे होंगे. केसीआर ने रेड्डी समाज की बेहतरी के लिए इस तरह काम किया जो रेड्डी चीफ मिनिस्टर्स ने भी नहीं किया. हैदराबाद में 150 करोड़ मालियत के 15 एकड़ अराजी राजा बहादुर वेंकट रामी रेड्डी ट्रस्ट को दी गई है. तामीर के लिए 10 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है. बीआरएस लीडर वो एमएलसी के कविता चारशंबे के रोज खातून पहलवानों रेसलर्स की हिमायत में आगे आई हैं. ये पहलवान रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे, जिन पर जिनसी हिरासानी का इल्जाम है. डब्ल्यूएफआई के सदर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे, जिन पर जिनसी हिरासानी का इल्जाम है. डब्ल्यूएफआई के सदर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए के कविता ने ट्वीट करते हुए कहा, खातून रेसलर्स ने दुनिया भर में मुकाबलों में कामयाबियां हासिल करते हुए मुल्क का नाम बुलंद किया है. इस उभरते मसले पर मरकज की बीजेपी हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है और इन खातून रेसलर्स के मुतालबात उनके एहतजाज पर कोई रद्देमल का इजहार नहीं कर रही. साबिक रियासती वजीर जय कृष्णा राव ने सनसनीखेज बयान दिया कि बीजेपी के रुकन असेंबली अटाला राजेंद्र जल्द कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे. जय कृष्णा राव जराए इबलाग के नुमाइंदों को मुखातिब करते हुए कहा कि आइंदा असेंबली इंतखाबात से कबल साबिक रुकन पार्लियामेंट पी श्रीनिवास रेड्डी खुद वो कांग्रेस में शामिल होंगे. इटाला राजेंद्र ने उनकी मुकम्मल तायद करने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि उनके कांग्रेस में शामिल होकर चीफ मिनिस्टर केसीआर की सियासी जमात बीआरएस को असेंबली इंतखाबात में शिकस्त देना है. रियासत के कई कायदीन उनके साथ हैं. उन्होंने कहा है कि वो और पी श्रीनिवास रेड्डी 8 जून को कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे. अवाम में भरोसा पैदा करने और जुराम की वारदातों के रोकथाम के सिलसिले में पुराने शहर हैदराबाद के काला पत्थर पुलिस स्टेशन के हदूद में पुलिस ने घर घर तलाशी मुहिम चलाई. डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्या की निगरानी में पुलिस ने तकरीबन 250 मकानात की तलाशी ली. पुलिस ने नामुनासिब नंबर प्लेट्स या फिर गाड़ियों के नंबर प्लेट्स में उलट फेर पर मुकदमा दर्ज करने के लिए और पुलिस ने जुराम की वारदातों पर मुकामी हिस्ट्री शीटर्स को इंतबाह भी दिया. पुलिस ने अवाम से ख्वाहिश की है कि वो पुलिस को इस इलाके में होने वाली गैर समाजी सरगर्मियों से वाकिफ करवाएं. पुलिस ने तकरीबन 40 गाड़ियों को जब्त कर लिया जिनके दस्तावेजात नहीं थे. तेलंगाना ब्राह्मण सदन की इफ्तिताही तकरीब जो मुल्क में पहली बार ब्राह्मण तबके की फलाह व बहबूद के लिए तामीर की गई है. चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने तहनियती तकरीब से खिताब किया. ब्राह्मण बरादरी की फलाह व बहबूद के लिए उनके लिए मरकज का क्याम मुल्क में अपनी नौयत का पहला वाकया है. तेलंगाना ने तमाम शोबों की तरह ब्राह्मणों की फलाह व बहबूद में मुल्क के लिए एक मिसाल कायम की है. चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव सुबह 11:30 बजे प्रगति भवन से गोपानापल्ली में ब्राह्मण वेलफेयर परिषद के जर एहतमाम बनाए गए ब्राह्मण वेलफेयर सदन के इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए रवाना हुए और वहां पर खसूसी पूजा में हिस्सा लिया. तेलंगाना खानसास कौंसिल के चेयरमैन गोता सुखेंदर रेड्डी ने हैदराबाद के सरूनगर इंडोर स्टेडियम में मुनाकदा सीएम कप की अख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की और फातहीन को इनामात से नवाजा. इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना तमाम शोबों में सरफहरिस्त है. उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की हुक्मरानी की कारकर्दगी की वजह से रियासत तेलंगाना ने मुल्क के किसी भी दूसरी रियासत से ज्यादा तरक्की की है. उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में खेलों के मैदान भी काफी तरक्की देखने
को मिलेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत बासलाहियत खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए भरपूर कोशिश कर रही। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने उन खिलाड़ियों को मुराद दी है जो पहले ही कौमी सतह पर अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर चुके हैं। उन्होंने कहा गाँव की सतह, मंडल सतह और रियासती सतह पर बासलाहियत खिलाड़ियों को सामने लाने के लिए इस महीने के 29 से 31 तारीख तक सीएम कप टूर्नामेंट्स का इनेकाद किया गया। शहर निजामाबाद में कलेक्टर ग्राउंड के सिग्नल के पास एक नामालूम शख्स धूप की शिद्दत से फौत हो गया, जिसमें ट्रैफिक पुलिस एसआई ने एम्बुलेंस को फोन करके बुलाया और गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी ले जाया गया। ट्रैफिक पुलिस एसआई ने बताया कि जो भी ये शख्स को पहचानता है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आकर इसके घर वालों को इतला दें। एंटरिंग सक्सेस कॉलेज इज द बिगिनिंग ऑफ योर वंडरफुल जर्नी टू रीच योर ड्रीम्स। Every student here has a different success story to write, a unique one. We invite you to experience education in a safe Islamic environment. Come, study at a campus dedicated exclusively to girls at Malakpet. Equipped with smart classrooms to meet the aspirations of today's tech-savvy students, it also boasts of state-of-art science labs and high-tech computer labs. Other amenities include a well-stocked library and transport facility. Students are trained to take up competitive exams by a student specialist experienced in IIT and NEET. They mentor students to achieve ranks and post excellent results, making each student accomplish her dream and touch new horizons. Limited seats in BIPC and MPC are available now. The batch starts soon. Hurry to know which course would fit you best. Consult our subject expert faculty and decide. Step into success, step out a winner. तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजाचार मेगा 100% लाभम गारंटी तो पाटू। కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయ్యింది। పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు। అప్పుడు మేము ఇద్దరం బాబా ఆజామ్ ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం। తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయ్యింది। ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే। నాకు చాలా కారణాలు ఉన్నాయి కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు। ఇంజనీరింగ్ చదివాను కానీ జాబ్ లేదు। ఆ సమయంలో నాకు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు। అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా అజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు। ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్‌స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను। మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్ళు మా పెళ్లి కొప్పుకోలేదు। మేము బాబా అజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం। ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి కొప్పుకున్నారు। ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి। మా అడ్రస్ బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్। ఫోన్ నంబర్ 9573048697। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरापी जैसे शोबजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तियाब है। आपकी उम्मीदों के अहम मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। बेहतर तालीम से ही मुमकिन हो सकता है आने वाला कल। इखरा जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स, रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। कोर्सेज ऑफर MPC, BIPC, CEC एंड MEC। कॉर्पोरेट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, रिमार्केबल रिजल्ट्स इन एवरी ग्रुप, हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी, well-furnished classrooms, fully equipped science lab, secure CCTV surveillance. Hurry up, admissions are in progress. Ikhra Junior College for Girls, Mehboob Colony Road, Asif Nagar, Hyderabad।
RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा ताज़ा अपडेट मिलती रहे।